सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग को जब तक जितना मैंने पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो हालांकि अब हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं, बस ऑलमोस्ट ये चैप्टर दी एंड पे है। और आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करेंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो इस साल आए हुए हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो पहला इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है कि इमिसिबल लिक्विड का मतलब ये होता है कि ऐसे जो दो लिक्विड जो कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो बोल देता दिस टाइप ऑफ लिक्विड, दिस टाइप ऑफ लिक्विड, दिस टाइप ऑफ लिक्विड विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर, विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर, विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर, विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट एंड इट इज यूज टू सेपरेट ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी तो उसमें इमिसिबल लिक्विड डाल दोगे तो ऑर्गेनिक अपने आप सेपरेट हो जाती है और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। जैसे ऑयल और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो इमिसिबल लिक्विड होता है, ये कभी मिक्स नहीं होते, ये भले ऊपर नीचे हो जाएंगे बट एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का सम होता है, ठीक है। ये हमने हेनरीज लॉ में रॉल्स लॉ में पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे पता है पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू जब कोई चीज़ मिक्स हुआ ही नहीं है इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन रहेगी। तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी नॉट ए, और पी बी की वैल्यू क्या रहेगी, पी नॉट बी इंटू एक्स भी। तो यहाँ पे भी एक्स भी तो वन, क्योंकि जब ए और बी मिक्स हुए नहीं तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, वन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। भाई बस समझ में, मुझे पता है पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए आर टी बाई बी, और पी नॉट बी भी क्या होगा, एन ए एन बी बाई बी इंटू आर टी। तो पी नॉट ए बाई पी नॉट बी आपको क्या मिलेगा, एन ए बाय एन बी। और इस तरीके से हम इनके मोल्स वगैरह वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। अब ये किसके लिए वैलिड होता है, ये वैलिड होता है सिर्फ इमिसिबल लिक्विड के लिए। लेकिन अगर टोटल वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन का देखोगे तो पी नॉट बी से बड़ा होता था और पी नॉट ए से छोटा होता था, किसके लिए होता था, ये मिसिबल लिक्विड के लिए होता था। इमिसिबल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता था, उनके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता था, उनके एवरेज के बराबर होता था। क्या होता था मतलब, लो वोलेटाइल वाले से तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और हाई वोलेटाइल वाले से, हाई वोलेटाइल कंपोनेंट वाले से वेपर प्रेशर क्या रहता, कम रहता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली या गौर तरफ वाली बात ये थी कि क्योंकि ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे, अब ये भी उतनी क्षमता से उड़ेगा और ये भी उतनी क्षमता से उड़ेगा, तो इमिसिबल लिक्विड का टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल वाले से बढ़ जाता है। इंडिविजुअल के भी वेपर प्रेशर से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ चुका है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, घट जाएगी। मतलब ये होगा कि इमिसिबल लिक्विड को जब आप बॉइल करोगे वो इनके पी नॉट बी और पी नॉट ए के भी बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाते हैं, इनके लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है, तो उनसे भी लो टेम्परेचर पर क्या कर जाते हैं, बॉइल कर जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है कि ये इनका वेपर प्रेशर इतना हाई हो जाता है। आप देखो ना, यहाँ पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट एक्स एक्स भी क्या होता था, वन से छोटा होता था, तो ये वैल्यू उतनी बड़ी नहीं होती थी। अब यहाँ पे क्या, पी नॉट ए भी ऐड हो गया, पी नॉट बी भी ऐड हो गया, तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ चुका, टोटल वेपर प्रेशर बढ़ चुका, तो मतलब क्या हो चुका, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुकी है, घट चुकी है। मतलब जो मेरा सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन है उससे भी लो टेम्परेचर से क्या कर जाता है, ये बॉइल कर जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, सिंस टोटल वेपर प्रेशर इज हायर देन, सिंस टोटल वेपर प्रेशर इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, टोटल वेपर प्रेशर इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड, देन बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड, देन बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड, दैट इज इमिसिबल लिक्विड
दैट इज इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन विल बॉयल एट अ टेम्परेचर, विल बॉयल एट अ टेम्परेचर, विल बॉयल एट अ टेम्परेचर विच इज smaller than boiling point of individual solution. ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी. ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP by Oswald Walker method. इस मेथड से आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है ओसवाल्ड वॉकर मेथड से. मतलब बेसिकली ये जो मेथड होता है ये एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं कि लैब में अगर आपको किसी का RL वेपर प्रेशर का RLVP निकालना हो या किसी सॉल्यूशन का RLVP निकालना हो तो इस मेथड से हम निकालते हैं. एक्चुअली इसमें होता है क्या, इसमें तो पहले समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे सपोज करो ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, ड्राई एयर पास किया. यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, पहले मैं इसको बना देता हूँ पूरे तरीके से. ठीक है, ड्राई एयर क्या होता है, जो भी यहाँ पे बनेगा वेपर, जो भी बनेगा इसका प्रेशर ए माना मैंने, क्या माना, प्रेशर ए. ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने सॉल्यूशन लिया, क्या लिया मैंने, सॉल्यूशन लिया. तो जब भी ड्राई एयर पास करेंगे जिसका प्रेशर क्या है, ए है, स्मॉल है, एयर का प्रेशर ए है, तो जैसे ड्राई एयर पास होता है, ड्राई एयर की खासियत क्या होती है कि भैया वो क्या करता है, वेपर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. वेपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जैसे ही वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से वो बाहर निकलेगा. जब वो वेपर एब्जॉर्ब किया, मतलब क्या होगा कि ड्राई एयर का खुद का वेट तो बढ़ जाएगा. मतलब जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितने प्रेशर से बाहर निकलेगा, PA+PA. मतलब एयर का जो प्रेशर था और ऑलरेडी ये जो एब्जॉर्ब कर लिया उसका दोनों प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. और इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस ऑफ वेट होगा, आप खुद से सोचो, जब इसने वेपर एब्जॉर्ब कर लिए तो इसका खुद का वेट तो बढ़ गया लेकिन सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा. क्यों, क्योंकि वेपर एब्जॉर्ब हो चुके हैं. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरा वो कितना है, लेट एक्स ग्राम है. तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भाई कितना लॉस ऑफ वेट होगा या कितना लॉस ऑफ वेट होगा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई जितना वेपर प्रेशर होगा उतना ही लॉस ऑफ वेट होगा, उतना ही तो वेपर एब्जॉर्ब हुआ होगा. और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, देखो, क्योंकि PA बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, NA/V इंटू RT. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वो तो कॉन्स्टेंट, भाई जितना वॉल्यूम आप डालोगे उतना ही वॉल्यूम यहाँ से एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा. मतलब ये भी कॉन्स्टेंट है, R भी कॉन्स्टेंट है, T भी कॉन्स्टेंट है, बस NA को मैं क्या लिख सकता हूँ, XA/WMA, मतलब MA लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका ऐसे बेटर लिखो, XA/MA/V. ये कॉन्स्टेंट, मतलब क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, X A. पर जितना वेपर बनेगा उतना और जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही क्या होगा, वेट लॉस होगा सॉल्यूशन का. लेकिन अगर मैं कंडीशन कुछ इस तरीके से दूं कि सपोज करो कंडीशन मैंने अब ऐसा दिया है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे मैंने क्या लिया सॉल्यूशन, लेकिन इस जगह पे मैंने क्या लिया प्योर सॉल्वेंट लिया. यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राई एयर पास कर रहा हूँ. अब एक्चुअली देखो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, P0A-PA/P0 = mole fraction, वो कैसे आता है वो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ. ड्राई एयर आपने पास किया सॉल्यूशन वाले में, लेट इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PA. ड्राई एयर पास किया, यहाँ से वो क्या जाएगा,
पीए के फॉर्म में जाएगा भाई, जितना आपने इसको डाला उतना ही यहाँ से पीए उतना ही प्रेशर एब्जॉर्ब करके जाएगा अंदर। यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे भी वेपर बनेगा, जिसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, पीनोट है। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीनोट है। इसका मतलब जैसे ही ये एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट होगा कि पीए प्लस पीनोट है होगा, एक्चुअली होगा नहीं। यहाँ पे जब भी वो निकलेगा तो वो पी नॉट ए के फॉर्म में ही निकलेगा। तो कभी भी याद रखना, अगर डायरेक्ट एयर सॉल्यूशन से कंज्यूम करके बाहर निकलता है एयर तो कितना होता है, वो होता है पी ए प्लस पी नॉट ए। बट यहाँ पे जब वो एक दूसरे से कंटेनर में जाता है तो जिस कंटेनर से पास करेगा उसी कंटेनर का वेपर प्रेशर आपको क्या करना है, उसमें कंक्लूड करना है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे जब वो वेपर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका भी तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस ऑफ सॉल्यूशन, लेट उस वेट लॉस ऑफ सॉल्यूशन x ग्राम माना मैंने, और जब इसका वेपर एब्जॉर्ब किया तो वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मान लो ये लेट इट बी y ग्राम हो जाएगा मेरा। अब समझो यहाँ पे उसने कितना एब्जॉर्ब किया भाई, घुस रहा है पी ए से, निकल रहा है पी नॉट ए से, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ पी नॉट ए माइनस पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ग्राम होगा, और पी नॉट ए सॉरी पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स ग्राम होगा। अगर सपोज करो पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ मैं, हाँ है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो इसको मैं यहाँ पे रब करके लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए प्लस पी ए, मैं क्या कर रहा हूँ माइनस पी ए कर दे रहा हूँ। तो ऊपर तो वाई है, नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, तो पी नॉट ए माइनस क्या होगा वाई बाई एक्स। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से आप देखो सिमिलर अगर दोनों के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा मैं तो मेरा ये हो जाएगा, दोनों का मोलर मास से डिवाइड करूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आर एल वी पी भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना, तो ये आप सब क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन आर एल वी पी का। आई बात समझ सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिस इज योर ओवरऑल आर एल वी पी कॉन्सेप्ट। हालांकि इसमें जेई में कभी क्वेश्चन आया नहीं और ना ही कभी आएगा, क्योंकि ये बहुत लिस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये सिंपल सा एक डेरिवेशन बताता कि ये एक्चुअली डेरिवेशन आया कहाँ से। आई बात समझ, जो एन बी बाई एन ए आता है ना वो इसी फॉर्मूले से आता है, एन बी बाई एन ए, ठीक है। देखो यही एक्चुअली है ना आपका, और उसको उस फॉर्म में लिख दिया तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो दैट चॉइस इज योर, आपको जिस फॉर्म में करना, जिस फॉर्मेट में करना है तो करो, ठीक है। चले ओवरऑल हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या हो चुका, खत्म हो चुका। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को लिख देता हूँ एक ही जगह पे, फिर मैं उनके एक एक करके आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। देखो पैसेज वाले क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रोजेक्टर नहीं है, तो इस वजह से मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो हमारे इस पर आए हुए हैं। तो पहले हम इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन क्या, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, 0.01 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ए कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स विच बिहेव एज अ
strong electrolyte is minus 0.0558 degree Celsius, the number of chlorides, in coordination, the number of chlorides in coordination sphere of complex is Kf for वाटर इज इक्वल टू 1.86, ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। दो दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पहले MX, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 2014 का इंटीजर क्वेश्चन है, ठीक है। MX टू डिसोसिएट्स इनटू M प्लस टू एंड X minus ion in aqueous solution with a degree of dissociation alpha of 0.5. The ratio of observed freezing point of aqueous solution. The ratio of observed freezing point of aqueous solution to the value of depression of FP in absence of ionic dissociation, ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये कोई कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ -0.0, नंबर ऑफ क्लोराइड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आसान सा क्वेश्चन था, ΔTF पहला का आंसर मैं बता रहा हूँ, ΔTF बराबर क्या होता है, I into Kf into M, बराबर ΔTF, तो फिर ΔTF बराबर कितना आ जाएगा 0.0558 इज इक्वल टू I into 1.86 और 0.01, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0558। देखो यहाँ पे मैंने I की वैल्यू क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्लोराइड्स पूछा है इन द कोऑर्डिनेट स्फीयर, भाई कोऑर्डिनेट स्फीयर मतलब कंपाउंड आपने कुछ ऐसा देखा होगा जिसके ऊपर Cl- K4FeCN, देखो ये आपको कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था K4FeCN6, तो ये जो ब्रैकेट वाला होता है वही है, उसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स में उसने पूछा है कि यहाँ पे CN का कितना 6 है, उसी तरीके से पूछा कि भाई इसमें क्लोराइड का नंबर कितना होगा, तो बहुत आसान था, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेगा तो आपको ये नेमिंग करना और इस फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1.86 इनटू क्या हो जाएगा 0.01, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आती है, 3 तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आई की वैल्यू अगर 3 आएगी, तो अगर मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है CO NH3 CL2, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है इनका, इसको जब आप फॉर्मूला बनाओगे, CO3 मतलब अमोनिया 3 जुड़ा है और क्लोराइड है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोराइड है, तो Cl2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो एक्चुअल में तो टोटल 3 होने चाहिए, 2 तो इसके हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा 3, तो उसने पूछा कि नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेट स्फीयर तो कितना हो जाएगा, ओनली 1 है, एक ही क्लोरीन है आपके पास, तो आंसर इसका क्या था, ओनली 1 आंसर था इसका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये बोल रहा है
कि एम एक्स टू डिसोसिएट इन एम प्लस टू एन माइनस एन एक्वा सॉल्यूशन विद अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ 0.5 इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ फाइनाइट डिसोसिएशन. इन एब्सेंस ऑफ फाइनाइट डिसोसिएशन मतलब उसने ये थ्योरेटिकल माना है. तो कहने का मतलब क्या, एक फॉर्मूला होता था आई का ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये फॉर्मूला बताया था ना, ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड बाय डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल. ठीक है, द रेशियो ऑफ दिस. ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होती है मेरी आई के बराबर. ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आई के बराबर. इज दैट क्लियर? और क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, वन प्लस एम एक्स टू. तो वन प्लस टू अल्फा, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस वन मतलब 3 माइनस वन अल्फा मतलब 1 प्लस टू अल्फा. अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी कितने दिया हुआ है, 0.5. तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आएगा. ठीक है, तो इसका आंसर कितना था, उसने रेशियो पूछा था, तो रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो आप देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जो अभी लेटेस्ट का जो क्वेश्चन है 2020 का जो न्यूमेरिकल पैटर्न पे क्वेश्चन आए मेंस में. ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था एडवांस में. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इधर, ये 2020 का था, 2020 का लास्ट ईयर का था, 27 का. ठीक है, मेंस का था 2020 का, और एक एडवांस का मैं आपको 2019 का कराऊंगा. ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 0.10 atm and that of glucose solution and that of glucose solution and that of glucose solution is 0.2 atm. The osmotic pressure of solution, the osmotic pressure of solution, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सॉरी 27 गलती से लिख गया. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ 2 लीटर ऑफ glucose with 2 liter of glucose solution is x into 10 raised to minus 3 atm where x is nearest integer. क्या बताना है, नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको बतानी है. यहाँ पे बहुत आसान था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक क्लास में भी कराया हुआ. देखो कि दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का आप मिक्स करते हो, तो अभी देखो यहाँ पे 2 लीटर है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज वाले का तो ऑब्वियस बात है 0.2 है और ये 0.1, दोनों इक्वल होता था. देखो 0.1 और 0.2 का अगर मैं इक्वल करता था तो ये क्या होता था, 0.15. इसका मतलब वैल्यू क्या रहेगी, 0.15 से तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसका ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, 2 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर्थ का मैं बता रहा हूँ, फोर्थ का जो एडवांस 19 का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज़ फॉर एडवांस 19 में पूछा गया है, ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 239 ग्राम ऑफ बेंजीन, its vapor pressure decreases from 650 mmHg to 640
एच जी द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन केल्विन अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज ठीक है गिवन क्या क्या दिया हुआ है गिवन दिया हुआ के एफ ऑफ बेंजीन 5.12 केल्विन के जी पर मोल और मोलर मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ आपको 78 चलो ठीक है नीचे से चालू करते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है 0.45 ग्राम चौथे वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूँ 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक कोई सॉल्यूट है जो 39 ग्राम बेंजीन मेक कर रहा है जिसका वेपर प्रेशर करने के बाद 650 से 640 घट गया है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑन बेंजीन ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा मतलब टी डेल्टा टी एफ आपको बताना है कि डेल्टा टी एफ एक्चुअल में कितना होगा तो सिंपल सा बंदा है मैं क्या करूँगा मुझे पता है पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एक ये फॉर्मूला दिया था मैंने ठीक है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करिए आंसर डायरेक्ट आपको जल्दी आएगा तो मेरा क्या है 650 माइनस 640 को मैं क्या कर रहा हूँ 650 से डिवाइड करूँगा इंटू एम इंटू 78 इंटू 10 का पावर माइनस 3 तो यहाँ से मैं सपोज करो मोलालिटी निकाला एक्स एक्स कितना आया मेरा मोलालिटी सपोज करो एक्स तो मुझे क्या निकालना डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा के एफ इंटू एम पुट द वैल्यू गेट द आंसर आसान है तो देख रहे हो आप जेई 19 का भी जो क्वेश्चन है बहुत आसान है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था ठीक है चलो आप इसका आंसर आप मुझे सेंड करोगे कितना आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 0.1 एटीएम ठीक है एक है एनएसीएल का सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है और पाई 1 जो दिया हुआ वो आपको दिया हुआ है 0.1 दूसरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है ग्लूकोज का किसका दिया हुआ है ग्लूकोज का जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर और जिसका पाई 2 कितना दिया हुआ है 0.2 एटीएम दिया हुआ है तो क्या मैं अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया ठीक है कोई सॉल्यूशन बना मेरा लेट कोई सॉल्यूशन बना जिसका पाई 3 जो दिया हुआ है वो मुझे कितना दिया हुआ है 0 x × 10⁻³ तो आपको x की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करो ओवरऑल मोल्स भी ऐड कर रहे हो ये भी ऐड कर रहे हो तो पाई 1 0.1 बराबर कितना होगा n1 बाय 1 RT तो n1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0.1 बाय 0.1 बाय RT और यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा n2 बाय VRT मतलब 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 बाय 2 RT मतलब 0.4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n 0.4 बाय RT हो जाएगा अब नेट क्या बार होगा पाई 3 बराबर क्या होगा n1 प्लस n2 बाय टोटल वॉल्यूम 3 RT हो जाएगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0.1 बाय RT प्लस 0.4 बाय RT इंटू RT डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व द क्वेश्चन गेट द आंसर ठीक है तो आई होप सो मैंने देखो बेटा थोड़ा पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए तो एक्चुअली वो पैसेज लिखना तो पॉसिबल नहीं है ठीक है तो आई होप सो मैंने आपको जितना क्वेश्चन समझाया होगा उतना आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा तो आई होप सो जो भी चीज़ आपको क्लियर होएंगे तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जिस माई हम्बल रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें पर्सनली पूछें क्योंकि बहुत कम बच्चों के आपके डाउट्स आते हैं तो वो चीज़ मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो सी आपका 12th का ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है इंपॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग टॉपिक भी है ठीक है तो 12th के ऑलमोस्ट टॉपिक आपके आसान से और स्कोरिंग है एक बार आप समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आई होप सो आज हम अपना चैप्टर दी एंड करते हैं बाकी चीज़ें मंडे से चालू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स थैंक यू वेरी मच